बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप भी इतनी नरम और सॉफ्ट सी पूरियां बनाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। बहुत ही मज़ेदार जायकेदार पूरियां बनेंगी। आपको मेरे इस हलवे की रेसिपी भी मेरे चैनल पर आराम से मिल जाएगी, आयत खान फूड सेक्टर के नाम से। सो यम्मी, यहाँ कितनी नरम और सॉफ्ट है। वही वाले रेशा कबाब है जो मैंने अभी 2 दिन पहले इसकी वीडियो अपलोड की है। आप इसे भी सर्च करें आयत खान फूड सेक्टर के नाम से, ये भी आपको मिल जाएगी रेसिपी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं मज़ेदार नरम नरम सी पूरियों की रेसिपी को रेडी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ निदा कमल और आप देख रहे हैं आयत खान फूड सेक्टर यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम आयत खान फूड सेक्टर पर बनाने जा रहे हैं नरम नरम गर्मा गर्म पूरियां। और पूरियों के इंग्रेडिएंट्स की तरफ हम चलते हैं। फ्रेंड्स, 2 इंग्रेडिएंट्स तो आपने देख लिए हैं कि एक तरफ बिल्कुल गुनगुना सा पानी गर्म हो रहा है और दूसरी तरफ घी रखा हुआ है पॉट में अच्छे से। और अब हम यहाँ देख लेते हैं पूरियों के लिए जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं। ये मैंने लिया है 1 पाव मैदा, 1 टीस्पून घी, 1 टीस्पून दही, योगर्ट, 1 चुटकी ब्लैक पेपर, हसबे जायका नमक। और आप चाहें तो इसमें से ब्लैक पेपर को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ब्लैक पेपर ऑप्शनल है, ये अच्छा सा फ्लेवर देगी पूरियों में। तो दोस्तों, पढ़ लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और कर लेते हैं अच्छी सी पूरियों की रेसिपी को रेडी। पहले हम मैदे को अच्छी तरीके से छान लेंगे। तो दोस्तों, मैदे को ज़रूर छाना करें। ये देखें इसके अंदर कितना सारा कचरा निकल आता है। ये योगर्ट को ऐड कर दिया है, दही को हमने, और ब्लैक पेपर ऑप्शनल है, नमक को भी हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम ये बीच में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमारी जो दही है वो बहुत ही सॉफ्ट बनाएगी पूरियों को। इसके अंदर थोड़ा सा हम घी भी ऐड कर देंगे और अब हम इसे हाथों की मदद से अच्छी तरीके से गूंथ लेंगे। ये देखें, इसके लिए मैंने ये गुनगुना सा पानी लिया है, नीम गरम पानी है ये, ज़्यादा गरम भी नहीं लेना है, जितना आप टेम्परेचर बर्दाश्त कर लें बस उतना ही गरम लीजिएगा। नरम नरम सी हमारी पूरियां बनेंगी। जैसे आटा गूंदते हैं उसी तरीके से हम इसको गूंद लेंगे। तो दोस्तों, ये देखें, हम ये हमने आटा अच्छी तरीके से गूंद लिया है और हमारा आटा यहाँ पर माशाल्लाह से रेडी है। अब इस पर हम थोड़ा सा इस तरीके से घी लगा देंगे और इसे हम कवर करके 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। रेस्ट पर छोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, हमने इसे 10 मिनट रेस्ट दे दिया था और अब हमारी डो बिल्कुल रेडी है। अब हम इस डो से अपने पेड़े बना लेंगे। इसे हम इस तरीके से लोइयाँ बनाएंगे, ज़्यादा सख्त हाथ नहीं चलाना, नरम नरम सी। और इसे बिल्कुल हम ऐसे करेंगे ताकि ये इसमें से सारे स्क्रैच हट जाएं। और इस तरीके से हम सारे रेडी कर लेंगे। तो माशाल्लाह से हमारी जो पूरियों की लोइयाँ हैं वो भी बिल्कुल रेडी हैं। अब इन्हें भी हम 5 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। और रेस्ट कराना आटे को, लोइयों को बहुत ज़रूरी है। अगर हम रेस्ट नहीं कराएंगे तो ये अच्छी सी फूलेंगी नहीं, अच्छे से बिलेंगी नहीं। 5 मिनट हमारे लोइयों को रेस्ट करते हुए हो चुके हैं। अब हम इसे पूरी बना लेते हैं। पहले हम घी ग्रीस करेंगे, फिर इसके ऊपर इस तरीके से पूरी की लोई को रखेंगे और ऐसे प्रेस करेंगे और फिर और घी इस पर ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छी तरीके से बेल लेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप एक दफ़ा घर में ट्राई कर लें, आप बाजार की पूरियों को भूल जाएंगी। देखें कितनी इजीली मैं बेल रही हूँ इसे। किनारे अच्छे तरीके से बेलिएगा, घी हमारा अच्छे तरीके से फुल फ्लेम पर गर्म हो रहा है। देखें, पूरी हमने बेल ली है। बिल्कुल तेज गर्म होना चाहिए घी हमारा।
तो हमारी अच्छी सी पूरी जो है फूलेगी और बनेगी। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से कितनी अच्छी सी फ्राई हो रही है, फूल भी रही है। बस थोड़ा सा ही हमें लाइट सा फ्राई करना है एक साइड। ये देखें आप मेरे अल्लाह की शान कि हमारी पूरी इतनी अच्छे से फूलती है। और ये मैंने साइड चेंज कर दी, सिर्फ 10 से 15 सेकंड सेकनी है हमें एक साइड और 10 से 15 सेकंड दूसरी साइड सेकनी है। और माशाल्लाह ये नरमा नरम गर्मा गर्म हमारी पूरी रेडी है। इसी तरीके से हम सारी पूरियां बनाते जाएंगे। ये देखें पहले घी मैंने इस पर ग्रीस किया, फिर मैं इसे हाथ से अच्छी तरीके से प्रेस कर दूंगी, फिर इसके ऊपर और घी ग्रीस कर दूंगी। बहुत ही नरम और टेस्टी सी पूरियां बनेंगी। साइड 15 सेकंड सेकेंगे, फिर नेक्स्ट साइड भी 15 सेकंड सेकेंगे। आप अंदाजे से भी इसे सेक सकते हैं। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। मज़ेदार जायकेदार नरम नरम सी पूरियां घर में बनाएं। अगर आप पूरियों का साइज़ बढ़ाएं तो आप फ्राई करने के लिए अपने पोट का साइज़ भी बढ़ा लीजिएगा। इसी तरीके से हम अपनी सारी पूरियां रेडी कर लेंगे। जब तक के मैं ये पूरी बेल रही हूँ, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो के बटन को ऑल पर कर लें। कल ही मैंने हलवे की रेसिपी अपलोड की है और हम ये बनाते एक साथ ही हैं, हलवा पूरी वगैरह। लेकिन रेसिपी हम इसलिए अलग अलग देते हैं कि किसी को पूरी बनानी नहीं आती, किसी को हलवा बनाना नहीं आता। आता तो सबको माशाल्लाह से सब कुछ है, लेकिन आइडिया लेते हैं एक दूसरे से। और ये देखें हमारी ये पूरी भी बेल चुकी है। और बेल के बटन को ज़रूर ऑल पे कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। माशाल्लाह से हमारी क्रिस्पी क्रिस्पी मज़ेदार सी पूरियां रेडी हैं ऐसे फाइनल लुक के साथ। मेरे अल्लाह की रहमतें नेमतें और बरकतें देखें आप, जो उसने हमारे खानों में दी, हमारे हाथों में दी। ये बिल्कुल नरमा नरम और गर्मा गर्म सी पूरियां हैं। ये देखें आप दो उंगलियों से ही आराम से मैंने ये तोड़ ली हैं। देखें कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट सी पूरियाँ हैं। और आप ये देख सकते हैं मेरा वही वाला हलवा जो मैंने अभी कल ही अपलोड किया है बाय आयत खान फूड सेक्टर पर, आप चेक कर सकते हैं इसे। ये बिल्कुल हलवाइयों वाला हलवा है, रेशा कबाब हैं वही वाले जो मैंने अभी दो दिन पहले इसकी वीडियो अपलोड की है। आप ये सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर बआसानी रेशा कबाब शामी कबाब बाय आयत खान के नाम से सर्च करें, आपको ज़रूर ये मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।